जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अधिकारियों को अपने कार्यों को सही से निर्वहन करने के लिए कहा। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ VC के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में कलेक्टर राज पुरोहित ने सभी अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें तीव्र गति से निपटाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर राज पुरोहित ने जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी जानकारी लेते हुए इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की चर्चा की। राजपुरोहित ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए सभी अधिकारी इस पर कार्य करें। ये सब किस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस थी? ये जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रत्येक मंगलवार को सभी SDO, तहसीलदार और BDOs के साथ में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है और इसमें कुछ योजनाओं के लक्ष्य इनको आवंटित किए गए हैं और उनकी प्रगति की समीक्षा इसमें की जाती है। तो एक तो पालनहार और पेंशन के लिए सभी BDOs को SDOs को टारगेट दिए गए हैं कि वे जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करके और उनसे आवेदन करवा के उनके पालनहार और पेंशन स्वीकृत करवाएं। तो इस कार्य में काफ़ी अच्छी प्रगति इनके द्वारा की गई है। और दूसरा एक टारगेट दिया गया है कि जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके लिए भवन और खेल मैदान अगर उपलब्ध नहीं है तो उपयुक्त जमीन के प्रस्ताव भेज करके उनके भवन और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाएं। तो इस बिंदु पर भी अच्छी प्रगति हुई है और 15 दिन में करीब 95 स्कूलों के खेल मैदान के आवंटन कर दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूल के आवंटन SDO के लेवल के हैं और उसके बाद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के प्रस्ताव कलेक्टर साहब के स्तर पे आते हैं। तो कलेक्टर साहब के स्तर से भी 25 स्कूलों के खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन अभी तक किया जा चुका है और ये कार्य निरंतर जारी है। इस प्रकार से VC के दौरान जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी पेंडिंग प्रकरण हैं उनकी भी समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों में रिपोर्ट्स आनी बाकी है, उनकी भी समीक्षा की गई। तो इस VC के माध्यम से बहुत अच्छी प्रगति कार्यों में आ रही है। थैंक यू।